कोशिश करते हैं कि हम ज़रा उसको देख लें अब, जो हमारा iOS है। अच्छा, iOS के अंदर क्या है जी, जनरेट पैकेज। जनरेट पैकेज में जाके ये वही कुछ सेटिंग्स यहाँ पे भी इन्होंने दी हैं, लेकिन इसमें बहुत कम सेटिंग्स हैं। वेल, चलो जनरेट का बटन दबा देते हैं। PWA की एक क्लास और होगी, एक क्लास और होगी इसकी। इसमें पंचायत कम नहीं है, इसमें उससे भी ज़्यादा है बेटा। अभी तुम आए कहाँ हो, इसके अंदर तो आओ अभी। सर्विस वर्कर, हाँ सर्विस वर्कर बाकी है। अच्छा, ये आ गई जी सोशल पोस्टिंग। ये अभी मैंने iOS वाला जो डाउनलोड किया ना, वो ये आ गया। ठीक है, ये आ गया SRC का फोल्डर, और SRC के फोल्डर के अंदर जो चीज़ है ये है Xcode का पूरा प्रोजेक्ट। एंड्रॉयड में तो इसने दे दिया ना आपको APK फाइल, iOS के अंदर भी एक फ़ाइल होती है, दैट इज़ कॉल्ड IPA फाइल। IPA यानी आईफोन एप्लीकेशन, APK की तरह होती है बिल्कुल। लेकिन IPA फाइल जो है ना, उसको नॉर्मली आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल नहीं कर सकते। जैसे APK जो है ना, मैंने WhatsApp पे भेजा, इंस्टॉल हो गया, ठीक है। IPA को इस तरह इंस्टॉल नहीं करने देता है वो। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कोई IPA फाइल मौजूद है और वो आप किसी फ़ोन में ओपन करते हैं, तो वो अननोन फाइल बोलता है, बोलता है भाई मुझे नहीं पता ये क्या फ़ाइल है, ठीक है। अच्छा, और आईफोन के अंदर इन्होंने स्टोरेज को इस तरह रखा हुआ है कि वो मतलब स्टोरेज का और फोटो का ताल्लुक अलग अलग है। फोटो की गैलरी अलग होती है, स्टोरेज अलग होता है। तो स्टोरेज में जो फाइल होती है ना, वो जस्ट USB फाइल, USB की तरह होता है वो, जहाँ पे फाइल स्टोर हो रही होती है ना, ठीक है। सिस्टम फाइल तक तो आपको एक्सेस होता ही नहीं है, वो एक छोटा सा एक पार्ट होता है जिसमें वो USB की तरह फाइलें स्टोर भी हुई भी होती हैं, और मतलब उसमें कोई ज़्यादा एक्सेस नहीं होता। उससे आप किसी फाइल को रन करते हैं ना, तो वो जस्ट फाइल ओपन होती है, जैसे PDF वगैरह या zip फाइल वगैरह, वो जस्ट ओपन होती है, दैट्स इट। वहाँ से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो सकता, उस फाइल के सेक्शन में पड़ी हुई कोई चीज़ को आप डबल क्लिक करेंगे वो इंस्टॉल नहीं हो सकता, ठीक है। फ़ोन में वो किसी के ऐप के साथ खुल सकता है, ऐप सिर्फ इंस्टॉल होती है ऐप स्टोर के अंदर से, किसी और जगह से आईफोन के अंदर ऐप इंस्टॉल नहीं कर सकते आप। अच्छा, प्लस ये कि आईफोन के अंदर जो ऐप स्टोर है वो सिर्फ एक ही ऐप स्टोर है, ठीक है। आईफोन ने आज तक थर्ड पार्टी ऐप स्टोर्स को अलाउ नहीं किया कि वो अपनी ऐप स्टोर या तो बना सकें। तो इसका मतलब ये हुआ कि आईफोन के अंदर आपके पास एक ही जगह है जहाँ पे आपने पब्लिश करना है, कोई दूसरी जगह अभी तक नहीं है, ना नज़र आ रहा है ऐसा कि वो देंगे, ठीक है। लोग फरमाइशें बहुत कर रहे हैं पिछले 3-4-5 सालों से कर रहे हैं कि भाई कस्टम दे दें, लेकिन वो नहीं दे रहे। अच्छा, और ना ही वो ये चीज़ अलाउ करते हैं कि आपने अगर किसी थर्ड पार्टी वेब बेस्ड कोई स्टोर बनाया हुआ है किसी ने, अगर वहाँ से आपने IPA अगर डाउनलोड कर लिया, तो उसको आप डायरेक्टली इंस्टॉल करें। अगर आपको डायरेक्टली IPA को इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए एक तरीका इन्होंने दिया हुआ होता है कि उसकी ना एक प्रोफाइल होती है। जैसे आप सिम लगाते हो ना फ़ोन में, तो इंटरनेट की सेटिंग कैसे आती है और उसको इंस्टॉल का बटन दबाते हैं इंस्टॉल होता है, तो इस तरह एक उसके अंदर प्रोफाइल होती है। तो पहले वो प्रोफाइल आपको डालनी पड़ती है अपने पास, और डिक्लेयर करना पड़ता है कि मैं डेवलपर हूँ। फिर वो IPA इंस्टॉल होती है, वो भी ज़रा औखे तरीके से होती है ना, वो भी इतनी आसानी से नहीं होती। दूसरा तरीका इनका जो होता है ना, जो प्रॉपर तरीका है, जो आईफोन की ऐप की टेस्टिंग का जो प्रॉपर तरीका है, वो ये होता है कि आपके पास प्रोजेक्ट होगा Xcode पे। अच्छा, आईफोन की जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट होती है, वो सिर्फ एक ही एडिटर है जिसके ऊपर होती है, VS Code के ऊपर आप नहीं कर सकते, वो होती है Xcode के ऊपर, जो Xcode इनका अपना एडिटर है। अच्छा, उस Xcode के ऊपर जब आप प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, वो स्विफ्ट एक इनकी लैंग्वेज है, उसके अंदर आप बनाते हैं। कुछ अरसे पहले तक वो ऑब्जेक्टिव सी हुआ करता था, यानी 2013-14 में ऑब्जेक्टिव सी होता था, लेकिन अब जो है वो पूरी तरह से वो स्विफ्ट के ऊपर मूव कर चुका है। तो स्विफ्ट के ऊपर आप एप्लीकेशन बनाते हैं, उसकी Xcode उनका एडिटर होता है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। फ्लटर की ऐप भी इसी तरह चलती है, फ्लटर का जब बिल्ड निकालोगे ये प्रोजेक्ट पूरा पकड़ा देगा, बोलेगा ये खोलो Xcode पे, जो करना है करो, ठीक है। रिएक्ट नेटिव की भी बिल्ड निकालोगे जब आप, तो इसी तरह आपको पूरा प्रोजेक्ट पकड़ा देगा, बोलेगा ये है प्रोजेक्ट, Xcode पे डाल के आप फ़ोन में चला लो। तो जब Xcode पे आप प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, तो उसको जब आप टेस्ट करते हैं, तो टेस्ट करने के वहाँ पे दो ऑफिशियल तरीके आपको मिलते हैं। नंबर एक, कि फ़ोन को आप केबल से लगाएं और प्ले का बटन दबाएं, तो वो फ़ोन में खुद ही इंस्टॉल करके रन कर देता है, ठीक है। वो 90 दिन के बाद ऑटोमेटिकली अनइंस्टॉल भी हो जाता है, अगर जब आप फ़ोन केबल लगा के रखते हैं, ठीक है। दूसरा ये होता है कि जी अंदर सिमुलेटर होता है, सिमुलेटर और फ़ोन एक्चुअली एक ही बात है, तो अंदर आप सिमुलेटर रन करते हैं और सिमुलेटर के ऊपर उस ऐप को चला लेते हैं प्ले का बटन दबा के। वही दूसरा तरीका जो होता है बीटा टेस्टर का, कि एक तो जी आप खुद बैठे हो ना अपने फ़ोन में आप कर रहे हो, लेकिन आपने किसी और को देना है अगर टेस्टिंग के लिए, तो वो कैसे देगा। उसके लिए तरीका ये होता है कि इनकी ऐप है टेस्ट फ्लाइट के नाम से,
टेस्ट फ्लाइट की जो ऐप है वो क्या होता है जी, वो एक बाकायदा पूरा प्लेटफॉर्म है, यानी ऐप स्टोर के पैरेलल में वो एक प्लेटफॉर्म है जिससे ऐप इंस्टॉल होती है। अच्छा, लेकिन उससे ऐप इंस्टॉल करने के लिए आपको पहले तो वो टेस्ट फ्लाइट इंस्टॉल करनी पड़ती है। दूसरा ये कि मैं यहाँ से बाकायदा अपनी ऐप को टेस्ट फ्लाइट पर पब्लिश करता हूँ। टेस्ट फ्लाइट पर पब्लिश करने का भी क्राइटेरिया ही 90 दिन में ऑटोमेटिकली वो अनपब्लिश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो मैं बंदे की ईमेल लूँगा, बंदा पहले टेस्ट फ्लाइट की ऐप इंस्टॉल करेगा जो मेरा बीटा टेस्टर है, जिस ईमेल से वो उस पर साइन अप करेगा टेस्ट फ्लाइट के ऊपर, उस ऐप के ऊपर, वो ईमेल मैं लूँगा, उस ईमेल पे मैं टेस्ट फ्लाइट का एक्सेस दूंगा। कैसे दूंगा? एक्स कोड के अंदर ही उसका ऑप्शन होता है। और फिर मैं जब टेस्ट फ्लाइट पर पब्लिश करूंगा ना, तो उसके पास नज़र आनी शुरू हो जाएगी, किसी और के पास नज़र वो नहीं आएगी। वो उस पर डबल क्लिक करेगा तो वो इंस्टॉल हो जाएगी उसके फ़ोन में, ठीक है, और वो टेस्ट फ्लाइट के अंदर ही, पता नहीं उस पर एक लोगो भी बना देता है वो, ये टेस्ट फ्लाइट के थ्रू इंस्टॉल हुई भी है, और वो 90 दिन में ऑटोमेटिकली वो ख़त्म हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है, उसके बाद वो नहीं रहती। ठीक है, तो बीटा टेस्टिंग के लिए उन्होंने टेस्ट फ्लाइट का एक पूरा सेटअप बनाया हुआ है। हाँ अच्छा तो लिहाजा हमारे पास क्या हो गया, इसलिए इन्होंने आईपीए नहीं दिया। अच्छा, आईपीए अगर आपके पास आ जाता है तो उसको आप ऐप स्टोर पे पब्लिश भी नहीं कर सकते। ऐप स्टोर पे पब्लिश एक्स कोड से ही होता है। ऐप स्टोर जो है इनका, जो उस पर पब्लिश करने के लिए कोई वेब बेस्ड इंटरफेस नहीं है इनके पास, एक्स कोड के अंदर ही एक ऑप्शन आ रहा होता है, पब्लिश का बटन होता है, वहाँ पे एक लंबा सा फॉर्म खुल जाता है, वहीं पे सारी डिटेल डालते हैं, पब्लिश का बटन दबाते हैं, पब्लिश हो जाता है। ठीक है, आईफोन के ऐप स्टोर पे ऐप को पब्लिश करने के लिए अकाउंट इनका चाहिए होता है, डेवलपर अकाउंट। इनके दो तीन तरह के डेवलपर अकाउंट है, एक फ्री वाला है, वो तो आपको लाजमी चाहिए, उसके बगैर तो एक्स कोड ही नहीं चलता। जो फ्री वाला डेवलपर अकाउंट है वो आपको चाहिए होता है डिवाइस में टेस्ट करने के लिए और उसको चलाने के लिए, उसके बगैर एक्स कोड सही काम ही नहीं करता। पब्लिश करनी है अगर ऐप, तो उसके लिए $100 का इनका अकाउंट होता है, और प्ले स्टोर में तो $25 वन टाइम है ना, इसमें $100 सालाना है। हाँ, इसमें $100 सालाना है कि $100 का अभी अकाउंट ख़रीदोगे ना, तो दिसंबर अभी आ रहा है ना, दिसंबर की 31 तारीख को दोबारा $100 चार्ज करेगा। इस तरह का कोई चक्कर है, मतलब हर साल आपसे चार्ज करेगा। अच्छा, लेकिन अगर आपने अभी परचेज़ किया, अपनी ऐप पब्लिश की और ऐप पब्लिश करके आपने छोड़ दिया, और अगर आपका अकाउंट एक्सपायर भी हो जाए, तो वो ऐप ख़त्म नहीं होती, वो ऐप रहती है, वो ऐप ख़त्म नहीं होती। अगर आपने उसमें अपडेट वगैरह भेजनी है, बाद में कुछ करना है, आपका अकाउंट एक्सपायर है, तो पहले आप अकाउंट बाय करते हो दोबारा, फिर उस एक्सेस जो आपका रुक जाता है अकाउंट में। तो $100 पर ईयर जो है वो आपका ये चार्ज करता है। एंड्रॉयड में ज़रा $25 है, वो भी वन टाइम है, ज़िंदगी में एक बार हमेशा का अकाउंट होता है, इसमें पर ईयर है। सही है, देख रहे हो, फिर खाने पकाने का पूरा इन्होंने प्रोग्राम पक्का किया हुआ है। इन्होंने बोला भाई ऐप आपकी चल रही है नहीं चल रही है, हमें तो पैसे देते रहो ना यार। अच्छा अब ये नेक्स्ट स्टेप करके जो है ना, देखो इन्होंने जो मुझे पैकेज दिया है ना डाउनलोड करके, इसमें एक SRC की फाइल है, एक SRC की फाइल है, दूसरी है नेक्स्ट स्टेप .html है। अब इसके साथ करें क्या, कैसे इसको चलाएं? डबल क्लिक करके मैं ज़रा नेक्स्ट स्टेप को खोल के देखता हूँ इसमें क्या बताया इन्होंने। इन्होंने बोला भाई आप जाओ, अनजिप करो फोल्डर को दैट यू हैव डाउनलोडेड, सोर्स का फोल्डर ओपन करो, किसमें? टर्मिनल में। और उस सोर्स के फोल्डर में क्या चलाओगे आप? पॉड इंस्टॉल। पॉड इंस्टॉल क्या चीज़ है? जैसे npm इंस्टॉल होता है, ऐसे पॉड इंस्टॉल है। ठीक है, पॉड उनका पैकेज मैनेजर है। तो आ जाओ करते हैं फिर। मैं सोर्स के फोल्डर में गया, टर्मिनल खोला मैंने। ठीक है, ये मैं सोर्स के फोल्डर के अंदर इस वक्त मौजूद हूँ। अच्छा, और मैंने यहाँ पर चला दिया पॉड इंस्टॉल। सही है, अरे पॉड इंस्टॉल, मेरे पास पॉड ही नहीं है। सही है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने देखो मेंशन भी किया हुआ है कि अगर आपके पास पॉड इंस्टॉल नहीं है ना, तो कोकोआ पॉड को आप पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ब्रू इंस्टॉल करूँगा। अच्छा, ब्रू क्या चीज़ है? ब्रू मैक का पैकेज मैनेजर है। जैसे विंडोज़ में ऐप इंस्टॉल करते हो ना, सॉफ्टवेयर कहाँ से करते हो? माइक्रोसॉफ्ट के ऐप स्टोर से कौन करता है? मैं तो नहीं करता। विंडोज़ में ये होता है कि जो सॉफ्टवेयर चलाना होता है उसकी वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ से एग्जी डाउनलोड करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, चल जाता है। गूगल क्रोम भी ऐसे ही होता है। ठीक है, लेकिन मैक के अंदर और लिनक्स के अंदर पैकेज मैनेजर भी होते हैं, उस तरह भी हो जाता है, लेकिन पैकेज मैनेजर भी होते हैं। ठीक है, तो ये ब्रू पैकेज मैनेजर है। तो मेरे पर डिपेंड करता है, मैं कोकोआ पॉड की वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट एग्जी तो खैर नहीं, इसमें DMG होता है, DMG फाइल नाम होता है, तो मैं DMG डायरेक्ट डाउनलोड करके चला लूँ, या मैं पैकेज मैनेजर से इसको इंस्टॉल कर लूँ। तो मैं क्या करता हूँ, फिलहाल के लिए पैकेज मैनेजर से इंस्टॉल कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ यार होम ब्रू इंस्टॉल कोकोआ पॉड। ठीक है, तो एक पैकेज मैनेजर से मैं दूसरा पैकेज मैनेजर इंस्टॉल कर रहा हूँ। अच्छा, होम ब्रू भी इंस्टॉल नहीं होता बाय डिफ़ॉल्ट, होम ब्रू भी करना पड़ता है।
ठीक है, मेरे पास तकरीबन जितनी भी ऐप्स हैं वो सारी मैंने होम ब्रू से इंस्टॉल की हैं, जैसे गूगल क्रोम वगैरह, वी एल सी, वी एस कोड, ये सब मैंने होम ब्रू से इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए होम ब्रू मेरे पास पहले से मौजूद है। ठीक है, तो ये होम ब्रू पहले तो क्या कर रहा है, अपने काम सीधे कर रहा है। यार्न भी एक आता है, यस। होम ब्रू पहले कर रहे हैं सारे पैकेजेस को अपडेट, कह रहे हैं कि जो मेरे पुराने पैकेज हैं पहले मैं वो करूँगा फिर इसको इंस्टॉल करूँगा, इस तरह का कोई चक्कर कर रहा है ये, पता नहीं क्या कर रहा है। खैर जो भी कर रहा है हमें क्या, जल्दी कर दे बस जो भी कर रहा है ये। अरे यार ये हो जाए आज की ज़िंदगी में, ये अल्लाह की कसम बहुत टाइम लगा रहा है। पेमेंट स्ट्राइप करके पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है फिलहाल। स्ट्राइप एक प्लेटफॉर्म है, इंटीग्रेट उनका एक कोड होता है वो आप लगा देते हैं, वो एम्बेडेड होता है, सही है। तो वो आसान है, वो उसकी गेटिंग स्टार्टेड में जाओगे वहाँ मेंशन हुआ है सारा, लेकिन असल में वो अकाउंट उसका बन ही नहीं सकता ना पाकिस्तान के अंदर, ये मसला है। हाँ नहीं, वो बहुत डिटेल लेता है भाई, वो बहुत कुछ मांगता है, वो सारी डिटेल चाहिए होती हैं, और वो फिर बैंक अकाउंट तो उसमें आप कुछ भी लगा सकते हो ना। स्ट्राइप पे वंस आपके पैसे आ गए तो वहाँ से आप पेपाल पे भी ले जा सकते हो, ट्रांसफ़र वाइज पे भी ले जा सकते हो, पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में भी ला सकते हो, वो इशू नहीं है। HBL का अकाउंट तो नहीं होता पाकिस्तान के अंदर, एक पे प्रो के नाम से चल रहा है वो हो जाता है, लेकिन वो पैसे काटता बहुत है यार, पता नहीं 40-50 हज़ार वो लेता है वन टाइम पेमेंट, उसके बाद पता नहीं 4% 3-4% काटता है वो पर पेमेंट पे, महंगा है वो। बाकी एक चेक टू आउट है वो पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है, वो भी बाहर की कंपनी है, सही है वो, लेकिन बहुत सारे लोग चेक टू आउट को यूज़ कर रहे हैं। हाँ उनसे बोलो कि यार स्ट्राइप का अकाउंट दे तो लगा दूंगा, दैट्स इट भाई। क्लाइंट जब लगवा रहा है तो अकाउंट उसका होगा ना, तुम्हारा थोड़ी होगा, उसको बोलो स्ट्राइप का एक्सेस दे तो मैं लगा दूंगा, गेटिंग स्टार्टेड डॉक्यूमेंट देख देख के लगा दो। स्ट्राइप का अकाउंट मिल जाए तो मेरे पास भी ले आना, यहाँ पे बच्चों को भी सिखा दूंगा मैं। स्ट्राइप का अकाउंट अगर मिल जाए तो वो अकाउंट का एक्सेस मेरे पास यहाँ ले आना, मैं लगाना सिखा दूंगा, रिएक्ट की ऐप में कैसे लगता है वो, सही है। चलो भाई ये इंस्टॉल हो गया, अब इसमें क्या करना था, मैं पॉड था नहीं ना पहले, तो अब पॉड इंस्टॉल चलाना है। पॉड इंस्टॉल चलाने से क्या होगा कि जो है ना यहाँ पे पॉड फाइल, अच्छा ये पॉड फाइल जो है ना, ये पता ही क्या है, ये पैकेज डॉट जेसन की तरह होता है, ठीक है। इस पॉड फाइल में जो जो डिपेंडेंसीज है ना वो इंस्टॉल करेगा ये, और इसके पॉड्स के नाम से एक चीज़ बनी हुई आ गई। ये पॉड्स क्या चीज़ है, ये नॉट मॉड्यूल्स हैं, जो रिएक्ट में नॉट मॉड्यूल्स होता है ना, ये वो पॉड्स वो हैं। ये पॉड्स का फोल्डर पहले नहीं था, ये अभी आया है, ठीक है। और इसके अंदर ये बहुत सारी एक लंबी सी जो है ना वो दे देगा कि जितने भी पैकेजेस हैं ना वो सारे यहाँ आ जाएंगे,
समझ लो एक तरह का ये नॉट मॉड्यूल आ गया, पॉड्स इसके अंदर है ये, ठीक है। तो ये जो है ना कुछ डाउनलोड कर रहा है, बस ये आज ही कर ले, बस ये टेंशन है मुझे तो। अपना पैकेज चार साल साल लगाए, चार साल एक ही चीज थोड़ी बढ़ाते हैं, चार साल किसका कह रहे हो तुम, समझा नहीं। ये कह रहे हैं इंडस्ट्री में पढ़ने का क्या फायदा, जब चार साल में पढ़ने के बाद भी कोई पाकिस्तानी जो है वो इस तरह की चीजें नहीं ला सकता, उनसे अपनी कोई लैंग्वेज नहीं ला सकता। हाँ, अपनी लाइब्रेरी तो कम से कम आनी चाहिए बंदे को, अपनी खुद की लाइब्रेरी, एक आध लिखना जानता हो, कोई एक आध लिखी हो उसने जिंदगी में, रिसर्च की हो थोड़ी बहुत। अच्छा भाई, ये पॉड इंस्टॉल हमारा हो गया कंप्लीट। पॉड इंस्टॉल कंप्लीट होने के बाद अगला ये क्या बोला है इसने, नेक्स्ट स्टेप वाला जो फोल्डर था हमारा उसमें अगला इसने क्या बताया। अच्छा भाई लड़कों, तो अभी तक हमने iOS की जो बिल्ड हम निकाल रहे थे PWA की, उसमें हमने अभी तक ये कर लिया है कि ये जो हमने डाउनलोड किया था इसमें SRC का जो फोल्डर आ रहा है ये वाला, इस फोल्डर में जाकर हमने पॉड इंस्टॉल की कमांड चला ली थी, और पॉड इंस्टॉल की कमांड चलाने से ना यहाँ पे ये पॉड्स करके एक फोल्डर बना हुआ आ गया जिसमें ये तमाम की तमाम डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो गई, राइट। ठीक है, इसी तरह मैंने ये बता दिया था आपको कि पॉड फाइल जो है जस्ट लाइक पैकेज डॉट जेसन होती है, और इसी तरह पॉड डॉट लॉक जो है वो अच्छा स्क्रीन नहीं आई उधर यार, यहाँ से तो हुई भी है कास्टिंग, अच्छा इधर भी रुक गया है, गेम उतर गई है। आ गया दोनों जगह दोबारा, चलो। अच्छा भाई, तो पॉड इंस्टॉल मैंने एक दफ़ा और चला दिया क्योंकि ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो इसने बोला भाई कम्प्लीटली इंस्टॉल्ड इसने बोल दिया यहाँ पे, एंड दैट्स इट। अच्छा, अब जो नेक्स्ट स्टेप वाला यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट था उसको मैं दोबारा से खोलता हूँ, और वो नेक्स्ट स्टेप वाला जो डॉक्यूमेंट है वो मुझे क्या कह रहा है उसको देखते हैं। ये पॉड इंस्टॉल तो हमने कर लिया। अच्छा, पॉड इंस्टॉल करने के बाद कह रहा है कि यार आप जो है ना ये Xcode Workspace के नाम से जो फाइल है, ठीक है, इसको आप ओपन कर लें, और किधर ओपन कर लें इसको, Xcode के अंदर, ठीक है। अब इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा ना जब इस वाली चीज़ पे ये जो बता रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली वो Xcode पे ही उसको ओपन करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो मेरे पास जो है वो ये वाली फाइल गायब क्यों हो गई, ये क्या हुआ यार, मेरे पास तो वो फाइल ही नहीं आ रही, गायब हो गई वो वाली फाइल। ओ या, ये एक्चुअली उस फोल्डर के अंदर आ रहा है ना, यार आई एम नॉट श्योर कि इसके साथ क्या हुआ है, कुछ फाइल्स डिलीट हो गई हैं मुझे लग रहा है गलती से। Xcode प्रोजेक्ट, डॉट Xcode प्रोजेक्ट वाली एक फाइल हमें चाहिए होती है जो कि मुझे नज़र नहीं आ रही है अभी। व्हाट इज हैपनिंग, अच्छा Xcode प्रोजेक्ट वाली जो ये फाइल है ये मुझे नज़र तो आ रही है यहाँ पे, बट क्या हो रहा है कि जब मैं इसको डबल क्लिक कर रहा हूँ तो ये बजाय
एक्स कोड पे जाने के ये कहीं और, मतलब इसको एज अ फोल्डर ये ट्रीट कर रही है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक्स कोड को ओपन कर लूँ। ओके एक्चुअली एक्स कोड इंस्टॉल ही नहीं है मेरे पास, जब भी उसको पता नहीं लग रहा कि ये क्या सीन है। अच्छा एक्स कोड अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आपको क्या करना होता है, जाना होता है ऐप स्टोर के अंदर, ठीक है। ये मैंने ऐप स्टोर खोल लिया और यहाँ से जाके एक्स कोड को सबसे पहले क्या करना होता है, इंस्टॉल करना होता है। सही है, मैंने कहा जी एक्स कोड और एंटर कर दिया मैंने, ठीक है जी। ये एक्स कोड का मुंह कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। और इंस्टॉल होने के बाद ये कुछ इस तरह का एक कोड एडिटर आपको मिलने वाला है, तो इस पर मैं डाउनलोड का बटन दबा देता हूँ और मुझसे शायद ये पासवर्ड वगैरह पूछ ले मेरा एक दफ़ा और, मे बी। अच्छा पासवर्ड वगैरह मुझसे नहीं पूछा, ये इंस्टॉलेशन इसकी क्या हो गई है, शुरू हो गई है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, इंस्टॉलेशन पूरी हो जाए फिर हम इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हम जो वो iOS की बिल्ड निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हुआ ये था कि मेरे पास Xcode इंस्टॉल नहीं था तो वो अधूरा रह गया था। तो आज हम क्या करते हैं, दोबारा से उसको शुरू करते हैं, iOS की जो बिल्ड हम निकाल रहे थे उसको हम शुरू से करते हैं। ये क्या हो जाता है यार इसको हर थोड़ी देर बाद। सही है, शुरू से करने के लिए मैंने वही URL डाला है, ये आप सब लोगों को पता है किस तरह हुआ है। और इसका पैकेज अब मैंने डाउनलोड करना है, इंटरनेट थोड़ा सा स्लो रिस्पॉन्ड कर रहा है आई थिंक आज, ठीक है जी। पैकेज फॉर स्टोर, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और जनरेट iOS पैकेज करके मैं डाउनलोड पैकेज का बटन दबा देता हूँ और देखते हैं कि मुझे ये क्या रिटर्न करता है। मुझे ये एक फोल्डर रिटर्न करेगा जिसके अंदर पूरा iOS का एक प्रोजेक्ट होगा, स्विफ्ट के अंदर लिखा हुआ एक iOS का प्रोजेक्ट मुझे ये रिटर्न करेगा, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बता चुका हूँ कि वो क्या होगा, एक स्विफ्ट में लिखी हुई आईफोन की ऐप होगी जिसमें एज टू एज आई फ्रेम के जैसी एक चीज़ खुली हुई होगी, ठीक है। वेब व्यू कहते हैं उसको, एक्चुअली मोबाइल ऐप की ज़ुबान में उसको हम कहते हैं वेब व्यू। तो एज टू एज उसके अंदर वेब व्यू खुला हुआ होगा जिसके अंदर हमारी वो ऐप खोल के दिखा देगा, ठीक है। एंड्रॉयड के अंदर ये पूरा फ्लो हम कर चुके हैं, अब हम ये iOS के अंदर करने जा रहे हैं। और हमें शायद वेट करना पड़ेगा थोड़ा और, इंटरनेट तो सही चल रहा है, मतलब सही तो नहीं चल रहा खैर। मे बी इस पूरे पेज को जरा एक दफा रिफ्रेश कर लेते हैं, आई एम नॉट श्योर कि ये पूरा सही तरह लोड हुआ है कि नहीं हुआ। सही है जी, सही तरह लोड हो गया। स्टोर पैकेजेस, जनरेट पैकेजेस एंड डाउनलोड पैकेज, लेट्स सी। सही है जी, डाउनलोड हो गया हमारे पास ये पैकेज। अच्छा स्क्रीन गई, अच्छा जैसे ही पैकेज मेरे पास डाउनलोड हो गया वो मेरे डाउनलोड्स के फोल्डर में यहाँ दिख रहा है, डबल क्लिक करता हूँ इसको, जिप को मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। SRC के फोल्डर, ये नेक्स्ट स्टेप के अंदर मुझे इसने सारा बताया हुआ है कि क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप से देख के मैंने लास्ट टाइम ये पूरा फॉलो किया था, दोबारा से वही कर लेते हैं। इसने कहा जाओ भाई पॉड इंस्टॉल करो, ठीक है। मैं गया यहाँ पे और यहाँ पे मैंने टर्मिनल खोला, ठीक है। SRC के फोल्डर के अंदर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ठीक है। मैंने कहा पॉड इंस्टॉल, ठीक है। अगर पॉड आपकी मशीन में, अच्छा ये सिर्फ मैक के अंदर होगा, ये विंडोज़ में इसको करने की कोशिश करेंगे नहीं होगा ये, ठीक है। ये मैक के अंदर सिर्फ और सिर्फ होगा, iOS की जो बिल्ड है वो सिर्फ मैक से निकल सकती है, ठीक है। चाहे वो आप नेटिव पे काम कर रहे हो, चाहे वो रिएक्ट नेटिव पे काम कर रहे हो, चाहे वो कोई सा भी फ्रेमवर्क हो, आयोनिक का फ्रेमवर्क हो, फ्लटर हो, XYZ, जितने भी फ्रेमवर्क हैं, अगर आपने iOS की बिल्ड निकालनी है या iOS की ऐप को स्टोर पर पब्लिश करना है तो वो मैक के बगैर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा रिएक्ट नेटिव के अंदर इन्होंने एक जुगाड़ी तरीका दिया था, लेकिन वो भी जो है ना, मतलब इतना स्टेबल नहीं है, उसके अंदर भी मसले मसाइल हैं। वो क्या करता था, क्लाउड से आपको बिल्ड निकाल के देता था, कहता था ये इंस्टॉल करो अपने पास, और वहीं से कोई पब्लिश करने का हिसाब किताब था, लेकिन जो है ना उसके अंदर भी बहुत मसले मसाइल हैं। यानी प्रॉपर जब आप एक्चुअल काम करने बैठेंगे ना तो वो आपको पता लगेगा कि यार उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप चेंज नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते आप।
तो अल्टीमेटली आपको फिर वहीं आना पड़ता है घूम के कि जी मैक आपको रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। एंड्रॉयड की जो बिल्ड है ऑन अदर हैंड वो विंडोज़ पे भी चल जाती है, वो मैक पे भी चल जाती है, लिनक्स पे भी चल जाती है। एंड्रॉयड की जो ऐप है उसका जो पूरा का पूरा फ्लो है एंड्रॉयड स्टूडियो उसमें शामिल है और वो सब, ठीक है। और अब जो है वो शायद क्रोम बुक पर भी चल जाता है, एंड्रॉयड स्टूडियो वाला जो पूरा फ्लो है ना वो क्रोम बुक के ऊपर भी चल जाता है, ठीक है। वो क्रोम बुक पर इस तरह से चल जाता है कि आपके पास बहुत सारे क्लाउड बेस्ड एडिटर्स आ गए, तो एंड्रॉयड में इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, वो कहीं पे भी इंस्टॉल हो सकता है। तो आप कोई क्लाउड बेस्ड अगर एडिटर यूज़ कर रहे हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के जैसे बहुत सारे मौजूद हैं, तो वो उसके ऊपर से जब आप बनाते हैं ना, बना के डाउनलोड करते हैं तो पैकेज डाउनलोड होता है और आप उसको कहीं पे भी अपलोड करते हैं तो अपलोड हो जाता है। तो जो एंड्रॉयड का स्टोर है वो भी कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता, एंड्रॉयड के स्टोर पे जब आप ऐप पब्लिश करते हैं तो वो वेब बेस्ड स्टोर है, वेबसाइट खुलती है, भले आप मोबाइल से खोलें, ब्राउज़ का बटन दबा के अपलोड करते हैं एपीके, आप दैट्स इट, वो चला जाता है, ठीक है। जो भी आइकन शाइकन स्क्रीनशॉट भी, अब इन्होंने बोला है कि नहीं जी एक्स कोड के अंदर से ही ऑप्शन है, अब वो एक्स कोड ही नहीं होगा जब, तो वो अपलोड कहाँ से होगा, ठीक है। तो इन्होंने इसको काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड रखा हुआ है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, ठीक है। अब इसका क्या रीज़न, इन्होंने उनको मुनासिब बेहतर पता है कि इसका क्या रीज़न है एग्जैक्टली, आया कि अपने इकोसिस्टम को शायद ये पता नहीं बहुत ज़्यादा मजबूत रखना चाहते हैं, या आया कि शायद ये चाहते हैं कि भाई जो बंदा ऐप डेवलप कर रहा हो एंड्रॉयड ये iOS की या मैक के लिए, तीनों का स्टोर एक्चुअली वो एक ही जगह है, मैक का स्टोर और इनके जो वेरिएबल्स का स्टोर है जो, और टीवी स्टोर है और आईफोन का ऐप स्टोर है, चार पांच एक्चुअली स्टोर्स हैं इनके। तो वो शायद ये चाहते होंगे यार जो बंदा स्टोर पे ऐप पब्लिश कर रहा है उसको खुद तो एक्सपीरियंस मिले पहले, तो शायद इस वजह से हो कि भाई जो मैक खुद भी यूज़ नहीं कर रहा वो पब्लिश नहीं कर सकता, पता नहीं क्या रीज़न है, नॉट श्योर। अच्छा, उसमें ये अच्छा सवाल किया इसने कि आया कि जो हम ऐप बना के पब्लिश कर रहे हैं वो सिर्फ फ़ोन में इंस्टॉल होगी या वो मैक में भी इंस्टॉल हो जाएगी या वो वॉच में भी इंस्टॉल हो जाएगी या वो टीवी पे भी इंस्टॉल हो जाएगी, ये एक सवाल है। ये एंड्रॉयड के अंदर भी सेम सवाल है कि आप जो ऐप बना के पब्लिश करेंगे क्या वो सब पे अवेलेबल होगी, इसका जवाब है नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट ये सब पे अवेलेबल नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अब जाके ये हो गया है कि आईफोन पे चलने वाली जितनी ऐप है वो मैक में भी बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होती है, ये अब हुआ है, रिसेंटली हुआ है, जब से M1 आया है जब से हुआ है ये, ठीक है। अच्छा, उसके बावजूद भी आपको जब प्ले स्टोर के ऊपर पब्लिश कर रहे होते हैं तो आपको वहाँ पे चेक लगाना पड़ता है कि अच्छा जी ये जो ऐप मैं बना रहा हूँ ये किस किस डिवाइस से कंपैटिबल है, तो वहाँ पे वो टैबलेट बोलता है और मोबाइल बोलता है और आपको टीवी बोलता है, ये सारी चीज़ें बोलता है, और सिर्फ उस पर चेक लगा देना इनफ नहीं होता, फिर जब वो स्टोर पे पब्लिश होने जाती है ना उसको ह्यूमन रिव्यूअर जब रिव्यू करता है वो बाकायदा इंस्टॉल करके चेक करता है, अगर वो कंपैटिबल नहीं होती तो पूरी ऐप आपको रिजेक्ट भी मार देता है वो, क्योंकि आप अगर टीवी के ऊपर आपने अगर ऐप्स यूज़ की हो तो टीवी के ऊपर जो वो कीबोर्ड नहीं होता, माउस नहीं होता कीबोर्ड टीवी के ऊपर, तो आपकी ऐप का ऐसा एक्सपीरियंस होना चाहिए कि वो टीवी के रिमोट से सही चले। टीवी के रिमोट में अगर एंड्रॉयड टीवी, क्योंकि मैं खुद यूज़ करता हूँ, उसके अंदर वो चार एरो की कीज़ हैं और एक बीच में ओके का बटन है और बैक का बटन है, तो यही पाँच बटनों से पूरी टीवी जो है ना वो इस्तेमाल करना पड़ता है आपको, तो इन पांच बटनों से आपकी ऐप चलनी चाहिए, अच्छी तरह चलनी चाहिए, ठीक है। अब उन्होंने वॉइस वाला फीचर भी लेकर आ गए हैं कि जी हर टेक्स्ट बॉक्स पे आप क्लिक करो तो बोल के आप इनपुट दे सकते हो, ठीक है। तो बहरहाल उसका एक अपना फिर एक एक्सपीरियंस है। फिर टीवी जो है ज़रा आपसे दूर भी होती है, टीवी मोबाइल फ़ोन तो आपसे एक फिट की दूरी पर होता है ना, आपकी आँखों से एक फिट या दो फिट दूर होता है, इससे ज़्यादा दूर नहीं होता मोबाइल फ़ोन आमतौर पर, लेकिन टीवी ऑन अदर एंड तकरीबन 10 फिट दूर हो सकता है या 6 फिट दूर हो सकता है टीवी, तो इतनी दूर से वो सब दिखे आपको, ऐसा ना हो कि दूर से वो इतना छोटा आपने लगा दिया कुछ दिख ही नहीं रहा, या बटन्स उसके इतने बड़े हों कि दूर से पता लग रहा हो कि उस बटन पे क्या लिखा हुआ है, या कुछ आइकन्स हो, ये सारा एक पूरा एक अलग डिफरेंट एक्सपीरियंस है इसका। तो कभी भी दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया कि जो आपने मोबाइल के लिए ऐप लगाई है वही आप टीवी पे चलवा दें, दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया, उसके लिए एक अलहदा ऐप होनी चाहिए या उसी ऐप के अंदर ऐसी ऑप्टिमाइजेशन होनी चाहिए कि जब वो टीवी पे खुले तो वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर ले टीवी के हिसाब से। अच्छा, तो पॉड इंस्टॉल मैंने चला दिया, पॉड इंस्टॉल चलाने के बाद क्या करना था अगला स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा हुआ है इन्होंने जी, कह रहा है कि ये वाली जो फाइल है ना XC Workspace जो है, इस फाइल को आप डबल क्लिक करके ओपन कर दो, ठीक है। जब इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली किसके साथ खुलेगा, ये खुलेगा Xcode के साथ, ठीक है, ये वाला है XC Workspace, इसका जो पूरा नाम है फाइल का वो ये है, socialposting.xcworkspace। तो जब इसको मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली Xcode के साथ खुलेगा, लास्ट टाइम Xcode इंस्टॉल कर लिया था मैंने लेकिन वो उसके बाद फिर टाइम नहीं बचा था। Xcode
एक्स कोड जो है एक इनका एडिटर है। अच्छा ये ट्रस्ट एंड ओपन कर दिया मैंने। एक्स कोड जो है वो बिल्कुल एक इनका एडिटर है। अच्छा ये एडिटर नहीं है जस्ट, इसको हम कहते हैं IDE। इसको हम क्या कहते हैं? IDE। अच्छा एक IDE में और एक टेक्स्ट एडिटर में क्या डिफरेंस है, किसी को पता है यहाँ पे? किसी को पता है तो प्लीज़ शेयर करें। नहीं आप कह रहे हैं VS कोड जो वो भी IDE है। हाँ भाई आप किसी और का कोई ओपिनियन? अच्छा VS कोड IDE नहीं है, VS कोड जो टेक्स्ट एडिटर है, एंड्रॉयड स्टूडियो IDE है, ठीक है। अच्छा किसी और का कोई ओपिनियन कि ये IDE और टेक्स्ट एडिटर में क्या डिफरेंस होता है? अच्छा IDE जो होता है वो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इसको बोलते हैं, स्टैंड्स फॉर। इसमें क्या होता है कि ये किसी खास तरह की ऐप को बनाने के लिए ही बनाया गया होता है। मिसाल के तौर पे एक्स कोड जो है वो आईफोन की एप्लीकेशन बनाने के लिए बनाया गया है, ठीक है। अब इस पर मैं चाहूँगा एंड्रॉयड की एप्लीकेशन बना लूँ, पॉसिबल नहीं है। इस पर मैं चाहूँगा HTML का कोड लिख लूँ, पॉसिबल नहीं है। जिस चीज़ के लिए बना है वही काम होगा, इसके अंदर कोई और काम नहीं हो सकता। अच्छा फिर उसको मिसाल के तौर पर अगर आईफोन की एप्लीकेशन बनाने के लिए उसको बनाया गया ना, तो आईफोन की एप्लीकेशन में एंड टू एंड यानी शुरू से लेकर आखिर तक जो भी ज़रूरियात उसमें आ सकती हैं, जितनी भी पॉसिबल ज़रूरियात हैं वो सारी इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। इससे बाहर जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। IDE आपको श्योरिटी देता है कि आप इसी के अंदर रह के सारे काम करोगे। आप इवन यहाँ तक इन्होंने कर दिया कि पब्लिश भी इसी से होता है, ये इसी एक्स कोड के अंदर रहते हुए पब्लिश होता है। अच्छा और अगर सादे लफ्ज़ों में कहें तो ये VS कोड की तरह ही है, कोड लिखा जाता है इसमें। लेकिन VS कोड जो है वो टेक्स्ट एडिटर क्यों है? क्योंकि उसमें किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग हो सकती है ना। पाइथन लिख लो VS कोड में, सी लैंग्वेज लिख लो, ठीक है, इवन स्विफ्ट भी उसमें लिखा जा सकता है। लेकिन अल्टीमेटली बिल्ड करने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा IDE के ऊपर, ठीक है। तो किसी भी तरह का कोड जहाँ पे लिखा जा सके वो समझ लें आप एक जनरल पर्पस टेक्स्ट एडिटर है वो, या कोड एडिटर कह सकते हैं उसको। IDE के केस में ऐसा नहीं होता। जैसे एंड्रॉयड स्टूडियो है वो IDE है, उसमें एंड्रॉयड की ही ऐप बनेगी, कोई और काम नहीं हो सकता उसके अंदर। एंड्रॉयड की ऐप और उसके साथ जो भी लवाजमात हैं उसके एंड टू एंड वो उसके अंदर कवर्ड है। तो अच्छा जी ये मैंने सोशल पोस्टिंग की ऐप को यहाँ पे ओपन कर लिया। अरे यार ये क्या हो जाता है इसको हर थोड़ी देर में। अच्छा ये सोशल पोस्टिंग जब मैंने यहाँ पे ओपन किया ना, तो आप देखें यहाँ पे दो फोल्डर बने हुए आ रहे हैं। एक है पॉड्स। पॉड्स क्या चीज़ है? पॉड्स है आपका डिपेंडेंसीज, जैसे हमारे पास नॉट जेएस के ऐप में बनता है ना नॉट मॉड्यूल्स, ये पॉड जो है वो नॉट मॉड्यूल्स की तरह है, ठीक है। और जब इसके अंदर मैं आता हूँ तो यहाँ पे भी आपको एक पॉड फाइल नज़र आ रही होगी। कहाँ है? नहीं पॉड फाइल एक होती है इसके अंदर, जिसके अंदर वो लिखा हुआ होता है कि कौन कौन सी डिपेंडेंसी लानी है। एक दफ़ा यहाँ देख लेते हैं ना कहाँ गया वो हमारा, डायरेक्ट यहाँ पे भी तो दिख रहा था। ये रहा पॉड फाइल डॉट लॉक और पॉड फाइल, ये यहाँ अंदर शो नहीं हो रहा एक्चुअली, ये यहाँ पे अंदर शो ही नहीं हो रहा। मिनिमम मैक्सिमम दिस इज दिस, अच्छा भाई अब यहाँ पे आने के बाद अगला स्टेप क्या है वो देख लेते हैं। अच्छा इस डिवाइस के अंदर देखो सपोर्टेड डेस्टिनेशंस के अंदर ना ये सारे सेलेक्ट हुए हैं, आईफोन आईपैड मैक और मैक। अब प्लस करके मैं और भी ऐड कर सकता हूँ, एप्पल टीवी को भी ऐड कर सकता हूँ, और मैक के अंदर भी पता नहीं और दूसरी डिवाइसेज हैं मे बी, उनको मैं ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। ये सारे डेस्टिनेशन इसमें पहले से सेट हैं, तो जब ये पब्लिश होगी तो इन सारों के लिए पब्लिश होगी बाय डिफ़ॉल्ट। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में अब देख लेते हैं क्या करना है जी। हमें जाना है प्रोडक्ट के अंदर और बिल्ड का बटन दबा देना है। आ जाएँ जी प्रोडक्ट के अंदर, ये ऊपर प्रोडक्ट है और इसके अंदर यहाँ पे बिल्ड का बटन है, सही है जी। ये बिल्ड का बटन आ गया, इसको मैंने दबा दिया तो यहाँ पे ना ऊपर ये घूमना शुरू हो जाएगा कि जी ये बिल्ड हो रहा है, ठीक है, ये बिल्ड होना शुरू हो गया। ट्विटर
हाँ फ्लैटर में भी होता है, जब आप बिल्ड निकालते हैं तो आपको आईओएस का प्रोजेक्ट दे देता है वो, दैट्स इट। ठीक है जी, बिल्ड सक्सेसफुल हो गया, बहुत सारी वार्निंग्स आई हैं मेरे पास, लेकिन इन वार्निंग का फिलहाल हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये वार्निंग्स इसने दी हैं और इसकी कुछ डिटेल्स भी यहाँ पे नज़र आ रही हैं कि ये क्या वार्निंग्स हैं। ठीक है, इसको अगर हम मे भी बड़ा करें तो हमें पता लग जाएगा। इसने कहा भाई आईओएस सिमुलेटर डिप्लॉय टारगेट आईफोन, दिस इज़ नॉट सेट टू 11 बट द रेंज ऑफ सपोर्टेड डिप्लॉयमेंट टारगेट इज़ 12 to 17। अच्छा, जब मोस्ट प्रॉब्ली जब ये लिखी गई थी ऐप उस वक्त 11 चल रहा था शायद, तो इसने मिनिमम पे ना इसको 11 सेट किया हुआ है। ठीक है, तो उसको एक वार्निंग दे रहा है कि यार 11 पे भी इंस्टॉल हो जाएगा लेकिन जो डिप्लॉयमेंट है ना वो 12 से 17 तक है। तो अब उसको, अच्छा सब में यही वार्निंग आई है, मोस्ट प्रॉब्ली सब में यही आई है। ठीक है, लास्ट में इसने एक और बात की कि द इमेज सेट लॉन्च आइकन हैज़ 2 अनअसाइंड चिल्ड्रन। कह रहा है कि 2 ऐसी चीज़ें जो यूज़ नहीं हो रही, ऐप आइकन के अंदर भी 7 अनअसाइंड चिल्ड्रन है। ठीक है, वेल, तो ये वार्निंग्स हैं, एरर नहीं है। वार्निंग का मतलब होता है कि जी वो चल जाएगी ऐप इसके साथ भी। एंड देन हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जी आप जो है ना प्ले का बटन दबा दो। अच्छा, प्ले का बटन यहाँ ऊपर आ रहा है, लेकिन ये प्ले का बटन दबाने के साथ ये किसके साथ रन हो? बिल्ड तो ये हो गया, रन होना बाकी है इसका, तो किसके साथ ये रन हो? उसके लिए यहाँ पे छोटा सा एक चुन्ना सा बटन है, इस बटन के ऊपर मैं जब क्लिक करूँगा ना, अबे क्या सीन है, यार ये स्क्रीन तो स्टक है, तुम लोगों को नज़र ही कुछ नहीं आ रहा है जो मैं दिखा रहा हूँ। अब चल गई? नहीं नहीं, स्लो चल रही है, स्लो चल रही है। वेल भाई, तो जहाँ पे ये लिखा हुआ रहा था ना कि बिल्ड हो रहा है, उसी के साथ यहाँ पे ना डिवाइस लिखा हुआ रहा है। ठीक है, इस वक्त आईफोन 15 प्रो यहाँ पे सेलेक्ट हुआ हुआ है। मैं इसको ड्रॉप डाउन में जब जाऊँगा ना, तो मेरे पास यहाँ पे ना जो भी अवेलेबल सारे सिमुलेटर्स हैं वो सारे यहाँ पे आ रहे होंगे ना। तो हाँ, यही खुला हुआ है मेरी स्क्रीन पे भी। अच्छा, तो इसमें से जो भी जो भी मैं सेलेक्ट करूँगा ना डिवाइस अच्छा, तो इसमें से मैं जो भी डिवाइस सेलेक्ट करूँगा ना, उसका सिमुलेटर ये क्या करेगा, खुद ही डाउनलोड करेगा। जब क्लिक जैसे ही करूँगा वो पूरा चक्री घुमाएगा, लोडर घुमाएगा वो, और उसका वो पूरा सिमुलेटर इंस्टॉल करेगा, डाउनलोड करेगा अपने पास, पता नहीं क्या करेगा, और उसको ओपन कर देगा हमारे सामने। अच्छा, मेरे पास जो है ना 15 प्रो मैक्स का जो है सिमुलेटर पहले से हुआ हुआ है। ठीक है, मैंने लास्ट उसको डबल क्लिक करके वो पूरा 700-800 MB का डाउनलोड हुआ था। तो मैं 15 प्रो मैक्स को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और 15 प्रो मैक्स को सेलेक्ट करके फिर मैं प्ले का बटन दबा देता हूँ, तो ये क्या करेगा, ये 15 प्रो मैक्स पे इसको ओपन करके दिखा देगा। सही हो गया। अच्छा, अभी ये चलना शुरू हो गया है और ये सिमुलेटर ये आ गया मेरे पास। अच्छा, ये दो दो खुल गया है। 15 प्रो वाले को मैं बंद कर देता हूँ, प्रो मैक्स वाले को चलने देता हूँ। ये सिमुलेटर पूरा फ़ोन है, ये कंप्लीट फ़ोन है। हाँ, ये पूरा कंप्लीट फ़ोन है ये। अच्छा, एंड्रॉयड का जो सिमुलेटर होता है वो ज़रा थका हुआ होता है ना, वो ज़रा स्लो चलता है, यानी आम फ़ोन के मुकाबले में बहुत अलग तरह से वो रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हर चीज़ बिल्कुल स्मूथ है, जैसी एक फ़ोन के अंदर होती है बिल्कुल वैसी है। अबे चल जा भाई, क्या हो गया। ठीक है, फाइनली ये चल गया। अच्छा, इसको मैं बंद करके ज़रा एक दफ़ा और चला लेता हूँ। सही, इसको मैंने बंद कर दिया, और बंद करके यहाँ पे एक दफ़ा और मैं प्ले का बटन ज़रा दबा देता हूँ। सही है, फर्स्ट टाइम में तो ज़रा वो अच्छा खासा टाइम लेता है, लेकिन सेकंड टाइम में वो फिर इतना टाइम नहीं लेता, जल्दी चल जाता है फिर। कौन सा यू आर एल?
वो तो हमने लगा दिया ना। अच्छा वो इसमें भी आता, वो जो ट्रस्ट वाला इशू था ना, क्या था वो? नहीं नहीं उसका फोल्ड, उसका क्या नाम था, क्या उसका बड़ा अच्छा नाम था ना, वेल नोन, वेल नोन, जो हमने वेल नोन वाली सेटिंग की थी ना एंड्रॉयड के अंदर, वो इसमें भी आता, लेकिन वो क्योंकि हो चुकी ऑलरेडी तो इसमें इसलिए नहीं आया। ठीक है, वो बिहेवियर दोनों में सेम रहता वो।